हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम मक्की के आटे से बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस सा नाश्ता बनाएंगे। सुबह की भागम भाग में आप इस नाश्ते को बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अपनी इस डिलीशियस सी रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मक्की का आटा लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मक्की का आटा लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। और 1 टेबल स्पून चावल का आटा लेंगे, 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए, थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ी सी कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से बहुत अच्छा क्रंचीनेस आएगा। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिए। कटी हुई धनिया और थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए इसको घोल लेंगे। तरीके से इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बैटर को ना तो बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। बैटर की कंसिस्टेंसी अभी ऐसी रखेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे जो बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। 15 मिनट के बाद में पालक कट करके थोड़ी सी डालेंगे, इससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। इसके बाद में 1/4 टीस्पून ये बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये कर्ड डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कर्ड को ऐड करने से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है, इसी तरीके की रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सबसे पहले तवे को ग्रीस कर लेंगे, इसके बाद थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे इस पर, और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको इस तरीके से फैला देंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए। शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसी भी शेप में रखना चाहें। इसको बहुत ज़्यादा ना मोटा करना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। इस तरीके से डाल देंगे तवे पे, इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देंगे। उसके बाद में थोड़े से जो सफ़ेद तिल हैं वो ऊपर से और डालेंगे और थोड़ा सा ये ऑयल स्प्रेड करेंगे। अगर आप कम ऑयल में सेकना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑयल मत लगाइए, ऐसे भी सेक सकते हैं। फॉक की हेल्प से इस तरीके से कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कीजिए नहीं तो मत कीजिए। और स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से इनको पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, नीचे से अच्छे से ये सिक चुकी हैं। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे और अब इसको पलट के 2 से 3 मिनट के लिए फिर से सिकने देंगे। एक बार आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी रहता है। ये देखिए दूसरी साइड भी ऑलमोस्ट सिक चुका है। इस नाश्ते को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से ये बहुत क्रंची हो जाता है और अंदर से हल्का हल्का सॉफ्ट रहता है। दूसरी साइड फिर से पलट देंगे इसको और अभी 1 से 2 मिनट इसको और सेक लेंगे। इसको हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से कितने अच्छे से सिक चुका है, इनको निकाल लेंगे। इस नाश्ते को आप आसानी से 7 से 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इनको आप चटनी, दही, चाय किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ऊपर से क्रंची होता है और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट होता है। इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।